Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग National Institute of Open Schooling का secondary course Social Science Book 2 का Module 4 Contemporary India Issues and Goals Lesson 27 Peace and Security जो कि Economics का chapter है, आज हम लोग इसका बचा हुआ part कवर करने का कोशिश करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं. Hello dear students, now we are going to cover up next topic which is India and the international peace and security. India has been equally concerned with international peace and security. It is essential for its progress. Like any other nation, India also has its foreign policy rooted in the national interest. India has been pursuing a foreign policy in which peace and security at the international level and especially in our neighborhood and in our region as a whole has been a key concern. In fact, right from independence, the basic objectives of Indian foreign policy have been maintenance of freedom in policy formulation, promotion of international peace and security, good relationships with other nations and especially with our neighbors, support to the United Nations, disarmament, opposition to colonialism, imperialism and racism, and cooperation among developing nations. To attain these objectives, the foreign policy that India has been pursuing consistently is known as the policy of non-alignment, though there have been changes in it to keep it relevant in the context of changes on the international scene. जो इंडिया है वो इक्वली कंसर्न्ड है अपने इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से, और ये हमारे प्रोग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पीस और सिक्योरिटी. दूसरे राष्ट्र की तरह जो हमारा इंडिया है, इसके भी कुछ अपने फॉरेन पॉलिसी है, वो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है. इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी को परस्यू किया है जिसमें पीस और जो सिक्योरिटी है वो इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेशली हमारे नेबरहुड से जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ, और जो हमारा रीजन है वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न इसमें है. इनफैक्ट इंडिपेंडेंस से इसके जो बेसिक ऑब्जेक्ट है हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, वो क्या है कि पहले तो ये मेंटेनेंस ऑफ फ्रीडम इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो भी फ्रीडम है उसमें मेंटेनेंस पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, फिर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी उसका प्रमोशन करना, फिर जो भी दूसरे नेशन है स्पेशली जो अपने आस पड़ोस में जो नेशन है उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना, यूनाइटेड नेशंस को सपोर्ट करना, साथ में जो भी डिसआर्मामेंट है और जो भी कॉलोनियलिज्म है उसका विरोध करना, इंपीरियलिज्म या रेसिज्म का विरोध करना, और जो डेवलपिंग नेशंस है उनको कोऑपरेट करना, इन सब ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए हम लोग इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी बनाया है और इसमें हम लोग कंसिस्टेंटली वर्क भी कर रहे हैं, जिसको हम लोग पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट के नाम से जानते हैं, और इसमें कई सारे चेंजेस भी होते रहे ताकि वो एक कॉन्टेक्स्ट से रेलेवेंट हो सके इंटरनेशनल सीन से. सो लेट्स सी व्हाट इज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. नॉन अलाइनमेंट हैज बीन रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. इंडिया लेड द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड बिटवीन टू कैंप्स, वेस्टर्न नेशंस लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंस्टिट्यूटिंग द वन कैंप एंड द कम्युनिस्ट नेशंस by the Soviet Union constituting the other. It was known as period of Cold War between the two camps. Cold War was intense rivalry between USA and Soviet Union without fighting a direct war to attract allies in Africa, Asia and Latin America. It started soon after the Second World War and continued for 45 years. These two weak countries became two opposite poles known as East and West, and the world politics revolved around these two poles. In fact, the world became bipolar. जो नॉन अलाइनमेंट, इसको कैसे रिगार्ड किया जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का. इंडिया ने इवोल्यूशन के प्रोसेस को लेड किया और इसमें इसका खुद का कॉन्सेप्ट है इंडिया का नॉन अलाइनमेंट, और ये कब हुआ था, जब वर्ल्ड जो है वो दो कैंप में डिवाइड हो चुका था. जो वेस्टर्न नेशन है उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लीड कर रहा था, जिसमें वन कैंप हो गया कम्युनिस्ट नेशंस की, और जो
वन कैंप हो गया हमारा यूएसए का, और दूसरा जो कम्युनिस्ट नेशन है उसको कौन लेट कर रहा था, सोवियत यूनियन, जिसमें जो भी दूसरे तरफ के थे वो सारे कंट्रीज सोवियत यूनियन में थे। और ये जो पीरियड है उसको कोल्ड वॉर भी बोला गया, कि इन दो कैंप्स के बिटवीन में दो कोल्ड वॉर हो रहा था। ये जो कोल्ड वॉर है इसमें बहुत बड़ा दुश्मनी चल रहा था यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में। ये लोग फाइट नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट वॉर नहीं कर रहे थे, बल्कि ये लोग अट्रैक्ट कर रहे थे जो भी एलाइज थे अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका के, उनको अपनी ओर। और जो हमारा कोल्ड वॉर है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद स्टार्ट हुआ था, और ये करीब 45 वर्षों तक चला। ये जो दो बड़े देश है वो दोनों अपोजिट पोल्स की तरह जाने जाने लगे, एक ईस्ट और दूसरा वेस्ट। और जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो इन्हीं दो पोल्स के अराउंड में रिवॉल्व करते रहे, और इनफैक्ट जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर बन चुका था। Non alignment aimed at maintaining national independence in foreign affairs by not joining any of the two military alliances formed by the USA and Soviet Union. Non alignment was neither neutrality nor non involvement nor isolationism. It was a dynamic concept which meant not committing to any military bloc but taking an independent stand on international issues according to the merits of each case. The policy of non-alignment won many supporters in the developing countries as it provided an opportunity to them for protecting their sovereignty as also retaining their freedom of action during the tense and ridden Cold War period. India as the prime architect of non-alignment and as one of the leading members of the non-aligned movement has taken an active part in its growth. The non-aligned movement is providing all member states, regardless of size and importance, an opportunity to participate in global decision making and world politics. जो नन अलाइनमेंट है इसका क्या लक्ष्य, कि ये नेशनल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रख सके फॉरेन अफेयर से, ये ज्वाइन नहीं करेगा किसी भी दोनों जो मिलिट्री अलायंसेस है जो कि यूएसए और सोवियत यूनियन के द्वारा फॉर्म किए गए, इसको वो ज्वाइन नहीं करेगा। जो नन अलाइनमेंट है वो नाइदर न्यूट्रली और नॉर वो किसी भी इन्वॉल्वमेंट में नहीं है, वो आइसोलेशनिज्म में नहीं है। ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कि ये किसी भी मिलिट्री ब्लॉक को कमिट नहीं करेगा, बल्कि इंडिपेंडेंट स्टैंड रहेगा, इंटरनेशनल इश्यूज जो है वो अपने मेरिट्स से इसको सॉल्व करेगा। जो नन अलाइनमेंट का पॉलिसी है उसमें बहुत सारे सपोर्टर्स लोग आए और उन्होंने डेवलप किया कंट्रीज को कि प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटीज ताकि जो भी लोग हैं उनका सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, एंड ऑल्सो जो फ्रीडम एक्शन है वो इस टेंशन जो हो रहा था कोल्ड वॉर में जो टेंशन उससे ये लोग फ्री रह सके। इंडिया है वो प्राइम आर्किटेक्ट नन अलाइनमेंट का, और एक इसके जो लीडिंग मेंबर्स है नन अलाइड मूवमेंट के, उन्होंने एक्टिवली पार्ट लिया है इसके ग्रोथ में। नन अलाइंड मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं जितने भी मेंबर है स्टेट्स के, रिगार्डलेस उनका साइज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि वो ग्लोबल डिसीजन मेकिंग और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सके। सिंस नन अलाइंड मूवमेंट NAM वाज अ प्रोडक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर सिनेरियो एंड ऑफ द वर्ल्ड बाइपोलर वर्ल्ड, many scholars question the relevance of NAM after the end of Cold War and disintegration of the Soviet Union. However, even in the present scenario, NAM has a significant role to play. First, with the disintegration of Soviet Union, the world faces a threat from unipolar world. The NAM can act as a check against US dominance. Secondly, the developed North and developing South world are divided over several economic issues. The NAM remains a very relevant forum for developing countries to engage with the developed nations in a productive dialogue. Moreover, the NAM can prove to be a powerful instrument for South-South cooperation. Such a thing is essential if the developing countries are to increase their bargaining power vis-a-vis the developed world. Finally, the developing countries united under the banner of NAM have to fight for the reform of UN and change it according to the requirements of the 21st century. सिंस ये जो नन अलाइंड मूवमेंट है NAM, वो एक प्रोडक्ट है कोल्ड वॉर सिनेरियो से और ये बाइपोलर वर्ल्ड का। बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे, उन्होंने क्वेश्चन किया NAM के रेलिवेंस में। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसमें सोवियत यूनियन का जब डिस इंटीग्रेशन हुआ तब उसमें क्वेश्चन किया गया। इवन जो प्रेजेंट सिनेरियो है NAM का उसमें भी सिग्निफिकेंट रोल वो प्ले कर रहे हैं। फर्स्ट ये डिस इंटीग्रेट किया सोवियत यूनियन को, जो वर्ल्ड फेस कर रहा था यूनिपोलर वर्ल्ड का ट्रीट से।
एनएम एक्ट करता है किस तरीके से, तो ये चेक अगेंस्ट करता है, मीन्स ये यूएस जो डोमिनेंस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में ये चेकआउट करता है। सेकेंडली ये नॉर्थ डेवलप्ड और जो डेवलपिंग साउथ है जो डिवाइड हो गया सेवरल इकोनॉमिक इश्यू से उसको ये चेक करता है। जो एनएम है वो रिमेन्स बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट फॉरम है डेवलपिंग कंट्रीज से, और उसमें जो इंगेज है वो डेवलप्ड नेशन वो प्रोडक्टिव डायलॉग दे रहे हैं। इन सब के अलावा जो एनएम है वो प्रूव कर रहे हैं कि ये ज्यादा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए। ऐसे जो थिंग है वो एसेंशियल है जिससे जो कंट्री है वो डेवलप करो और वो इंक्रीज कर सकता है बार्गेनिंग पावर को डेवलप्ड वर्ल्ड में। फाइनली जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें जो भी यूनाइटेड बैनर है एनएम का वो फाइट क्या करते हैं, तो जो भी यूएन है वो उसके अगेंस्ट में फाइट करते हैं और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो भी 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ये एक्ट करते हैं हमारे एनएम। Support to United Nations. India has always viewed United Nations, UN as a vehicle for peace and security and for peaceful change in world politics. Being one of the 51 original or founding members of the United Nations, India has been extending all our support in its efforts for international peace and security and disarmament. India expects that the UN must involve countries to moderate their differences through talks or negotiations. Moreover, India has advocated active role for UN in development effort of the developing countries. It has pleaded for a common united front of these countries in the UN. It believes that the non-aligned world by virtue of its massive number could play a constructive and meaningful role in the UN by stopping the superpowers from using this world body for their own interests. Security Council, an important organ of United Nations, plays a key role in the maintenance of international peace and security. That is why a process of its reforms has been initiated and there is the possibility of expanding its permanent membership. India has a strong case for becoming a permanent member in the Security Council. जो इंडिया वो हमेशा क्या देखा कि जो यूनाइटेड नेशन है यूएन वो एक व्हीकल है पीस और सिक्योरिटी के लिए और जो भी पीसफुल वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसके चेंज के लिए। और हम लोग के पास जो 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस के और जो इंडिया है उसको एक्सटेंड कर रहा है ये सपोर्ट कर रहा है इसकी कोशिश को कि इंटरनेशनल पीस और जो सिक्योरिटी है डिसआर्ममेंट है वो बना रहे। इंडिया स्पेस क्या करता है यूएन जो है वो जितने भी कंट्रीज को इन्वॉल्व कर सके और उनके उनके जो रिलेटेड नेगोशिएशन है उसके बारे में बात कर सके। इन सब के अलावा जो इंडिया है वो एक्टिवली है किसके रोल में जो यूएन जो कि डेवलप कर रहा है जो भी कोशिशें की जा रही है जो कंट्रीज डेवलप कर रहे हैं उसके एफर्ट में यूएन साथ में है। ये बोला जा रहा है कि कॉमन जो यूनाइटेड है कॉमन यूनाइटेड नेशन कंट्रीज के वो यूएन से रिलेटेड है और ये भी बोला जा रहा है कि जो नॉन अलाइंड वर्ल्ड है वो क्या है कि इसमें बहुत सारे जो मेंबर्स है वो अपना मीनिंगफुल रोल प्ले कर रहे हैं यूएन के साथ में और ये जो भी सुपर पावर्स है जो कि वर्ल्ड में अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहते हैं उनको ये स्टॉप करना चाहते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है यूनाइटेड नेशंस का जो कि बहुत ही ज्यादा की रोल प्ले कर रहा है ताकि जो हमारा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है वो मेंटेन रह सके। और एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इसको जो इनिशिएट करने वाला है और पॉसिबिलिटी जो पेंडिंग है हमारा परमानेंट मेंबरशिप का कि जो जो भी लोग यूएन मेंबर्स में शामिल हो वो उसमें परमानेंट मेंबरशिप रह सके। तो जो इंडिया उसके पास एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि वो परमानेंट मेंबर बन सके सिक्योरिटी काउंसिल में। एंड हियर इज द रजिस्ट्रेशन विसूस यूएन बिल्डिंग न्यूयॉर्क। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन टेस्ट क्वेश्चंस 27.4। फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर से सारे इंडेक्स क्वेश्चन बनाने होंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर का सारा टर्मिनल एक्सरसाइज भी बनाना होगा। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज। सारे इंडेक्स क्वेश्चन का आंसर यहाँ नीचे दिया गया है, पहले खुद से बनाने का प्रयास करें फिर आंसर की हेल्प ले। That's all for today. Thank you everyone.